फास्टैग का इस्तेमाल करने वालों को ये पांच नियम जानने हैं जरूरी, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। रोड पर गाड़ी चलाते समय जब रास्ते में टोल प्लाजा आता है तो टोल टैक्स देने के लिए हम फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। पहले टोल टैक्स देने के लिए लाइन में लगने की जरूरत होती थी, लेकिन फास्टैग आने के बाद टोल टैक्स देना आसान हो गया है। अब हमें लंबे लाइन में भी खड़े होने की जरूरत नहीं होती, बस कुछ ही सेकेंड में हमारा टोल टैक्स फास्टैग के माध्यम से कट जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे देश में फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में जिसके पास भी चार पहिया वाहन है या गाड़ी है तो उन्हें फास्टैग की जानकारी होगी। सफ़र के दौरान अक्सर हमारी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है, जहां टोल टैक्स देने के लिए हमें फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, वरना आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है या दोगुना टैक्स तक देना पड़ सकता है। आज हम आपको फास्टैग से जुड़े पांच नियमों के बारे में बताएंगे। इसमें सबसे पहला नियम है पाँच साल पुराने फास्टैग को बदलना। यदि आपका फास्टैग पाँच साल पुराना हो चुका है तो उसे बदलना जरूरी है। उसको बदलकर आपको नया फास्टैग लेना होगा। नए फास्टैग के लिए KYC की प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है। KYC के दौरान जिस बैंक से आपका फास्टैग कनेक्ट है उसके पोर्टल से ये लॉगिन हो जाएगा। फिर नए फास्टैग के लिए गाड़ी की RC और गाड़ी के फ्रंट और साइड की फ़ोटो अपलोड करनी होगी। गाड़ी के ID कार्ड अपलोड करने होंगे। नए फास्टैग की निर्धारित फीस चुकानी होगी। इन सभी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद नया फास्टैग आपके लिए जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि फास्टैग 3 साल पुराना हुआ है तो इस दौरान भी इसकी KYC करवानी जरूरी होती है। यदि आप अपने फास्टैग की KYC नहीं करवाते हैं तो आपके फास्टैग को ब्लैकलिस्टेड किया जा सकता है। KYC पूरी करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। इसके अलावा जरूरी है कि आप अपने फास्टैग के साथ मोबाइल नंबर भी लिंक करवा लें, ताकि इससे जुड़े हर तरह के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आते रहें। यदि फास्टैग से नंबर लिंक भी है और आप वो नंबर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या बंद हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप अपना सही नंबर लिंक करवाएं। दोबारा नंबर लिंक करवाने के लिए आपको पोर्टल पर जाना होगा। अब सवाल ये उठता है कि हमने फास्टैग तो ले लिया है, लेकिन अब इसे चिपकाए कहाँ? कई लोग फास्टैग को कहीं भी चिपका देते हैं, लेकिन फास्टैग को हमेशा गाड़ी के विंड सील्ड पर ही चिपकाना है। कई लोग तो फास्टैग लेने के बाद भी उसे नहीं चिपकाते हैं, हाथ में पकड़कर टोल प्लाजा पर इसे दिखाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा करना आप पर भी भारी पड़ सकता है। फास्टैग को चिपकाने का नियम है और जब भी गाड़ी पर यह चिपकेगा तो उसे विंड सील्ड पर ही चिपकाना जरूरी होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको डबल टैक्स देना पड़ सकता है। अगर आपने नई गाड़ी ली है तो ऐसे लोगों को 90 दिनों का समय दिया जाता है। इस अवधि में गाड़ी फास्टैग के साथ रजिस्टर होनी जरूरी है। इन 90 दिनों में नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर अपलोड करना होगा, साथ ही अन्य कुछ डिटेल्स गाड़ी के देने होंगे। 90 दिनों में काम को पूरा नहीं होने पर 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आपको फास्टैग से जुड़े ये नियम पता थे? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।